आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कहीं जाके सोने की जगह ढूंढता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। कौन था? तुमने मुझे काटा कैसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ कि तुम कहाँ जाओगे? खा जाऊंगा मैं तुम्हें। मेरी बहन पता नहीं कहाँ चली गई। उसे जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वाह, जो करना है कर लो मच्छर, पर मैं तुम्हें पकड़ूंगा। वापस आओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बदमाश। ये तो बहुत टेस्टी है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते मच्छर। अपनी पतली टांगों को देखो, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम नाटक करना बंद करो। तुमने मुझे काटा। अरे छोड़ो भी, मैं इतने बड़े और मोटे मेंढक को भला क्यों काटूंगा? मैं पागल हूँ क्या? तुम नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम ही ना मुझे काटा। क्या तुम जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो मच्छर? तुमने मुझे क्यों काटा? देखो सच्चाई तो ये है कि मेरे पास तुम्हें काटने के लिए डंक भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे काट सकता हूँ? तो तुम मुझे काट रहे होंगे, डंक नहीं मार रहे होंगे। ये देख रहे हो तुम, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है। नहीं क्यों, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे काटा जब मैं सो रहा था? अरे छोड़ो भी, ये पागलपन है। तुमने ही काटा। मैंने नहीं काटा। साबित करो। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें करना ही होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ मच्छर? क्या तुम लोग लड़ रहे हो? ये छोटा मच्छर जो यहाँ पे है ना, इसने मुझे काटा जब मैं सो रहा था और ये मानना नहीं चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पौधों का रस पीता हूँ, खून नहीं पीता मैं। क्या कहा, पौधे? तुम कितने बड़े झूठे हो मच्छर, तुम हर किसी का खून पीते हो। तुम्हें ये बेवकूफी भरी खबर किसने दी बताओ मुझे? मैं ऐसा नहीं करता। नहीं तुम ऐसा करते हो। चुप कर, थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे लगता है मैं ढूंढ सकता हूँ कि इसने तुम्हें काटा है या नहीं। ऐसा करते कैसे? ठीक है फिर। हे मच्छर, मुझे लगता है कि तुम सच बोल रहे हो, पर यह साबित करने के लिए तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं किसी को नहीं काटता। ठीक है, कम ऑन जो, चलते हैं। हाँ। हे बाटल भी, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये वो जगह है। चलो शुरू करते हैं फिर। जो तुम ले जाओ, नाटक करो और मैं छुप जाऊँ।
ठीक है जैसा तुम कहो। मुझ पे नजर रखना, मुझे फिर से नहीं कटवाना अपने आप को, समझ गया ना? ओ, मुझ पर भरोसा करो जो। ठीक है चलो मैं भी छुप ही जाता हूँ। एक भी मच्छर नहीं दिख रहा है। अयो आओ। ये तो वही आलसी मेंढक है ना जिसे मैं पहले काट चुकी हूँ। वैसे मुझे प्यास तो लगी है। ओ जो उठ जाओ। रुक जाओ, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रुको। बदमाश मच्छर रुको। मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है मोटे। वापस आओ मच्छर। वही रुक जाओ। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। जो क्रॉकर, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तुम लोग कुछ काम के नहीं हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो मच्छर। यहाँ वापस आओ। ये क्या मुसीबत है? इस बार तुम सब मेरे हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका खून चूसूंगी, बहुत मजा आएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं तो बस इतना चाहता था कि ये लोग मेरा भरोसा करें, और कुछ भी नहीं। हे छोटे से मच्छर। ओ बढ़िया है, तुम लोग आ गए तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैंने किसी को नहीं काटा है आज। हमें तुम पर भरोसा है दोस्त। ये देखो, तुम दोनों काफी एक जैसे दिखते हो। हाँ सच में तुम दोनों की शक्लें एकदम मिलती जुलती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ओ मुझे जरा पास से ठीक से देखने दो। हाँ बिल्कुल। अरे ये तो मेरी प्यारी बहन है। तुम्हारी बहन है? आओ मम्मी, मर गया। ये लोग बहुत मतलबी हैं। तुम नालायक मच्छरों, मुझे काट के बहुत बड़ी गलती कर दी। या रुको। सुनो मच्छर, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर क्रोकर, छोड़ो भी, वो एक लड़की इसलिए तुम्हारा खून चूस रही है, और कोई बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। ओ क्या, उसने मेरा खून चूसा और मुझे चोट भी पहुँचाई, खून का बदला खून। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो सुबह की ओस लेके आऊँ तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए, तुम्हारे जख्म का ध्यान रखूँ, तो क्या तुम उसे, मेरा मतलब मेरी बहन को माफ कर दोगे? बोलो। जो तुम उसे माफ कर सकते हो। ठीक है माफ किया, पर मुझे बहुत सारी सुबह की ओस चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसकी चिंता मत करो तुम। ये ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है फिर चलो। शुक्रिया बॉटल। मच्छर, मुझे हमारी गलत फहमी को लेकर बुरा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बहन मिल जाएगी। चिंता मत करो बॉटल, जब मेरी बहन मुझे मिल जाएगी मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। बाय, चलता हूँ।